हे फ्रेंड्स हाय वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज अब आपका जो नेट का एग्जाम है वो बहुत पास है और बीस तारीख से आई थिंक स्टार्ट हो रहा है तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो आपके फ्यूचर मतलब आने वाले नेक्स्ट मतलब जो भी आपका एग्जाम जून में आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा कि देखिए नेट का जो एग्जाम है चाहे आप हिस्ट्री से दे रहे हैं चाहे आप आरक्यू से दे रहे हैं आरक्यू में एक चीज अच्छी बात है कि मैंने जितने साल के पेपर देखे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन नए होते हैं लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड होते हैं ठीक है ना अगर आपने आर्कियोलॉजी का दस साल का दस और ये दस से ग्यारह बारह साल तक का पेपर अगर आपने अच्छे से अगर आपको लाइन टू लाइन याद है ठीक है और आपने अगर किसी क्वेश्चन को जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं अगर आपने उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के साथ देखा है कि अच्छा ठीक है ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो फिर बाकी जो तीन है वो ऑप्शन किस चीज़ के लिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप आर्कियोलॉजी से आपका जेआरएफ क्लियर करना आपके लिए मुश्किल बात होगी ठीक है बस आपको जो क्वेश्चन पेपर है आ, पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ठीक है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अब से आपके पास बीस पच्चीस दिन है और इतना क्वेश्चन दस साल का क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आई थिंक सफिशियंट है आप चाहेंगे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उसको पढ़ भी लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे ठीक है आपने अभी जितना भी पढ़ा जितना भी तैयार किया ठीक है वो आपने जितना करना था आपने कर लिया अब जो आपके पास टाइम मिला कुछ नया मत पढ़िएगा देखिए पहले आप अपनी चीजों को रिवाइज करिए ठीक है क्योंकि हम ना बहुत सारा पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते फिर जाते हैं जब हमें चार ऑप्शंस मिलते हैं ना किसी भी सवाल के तो हम कंफ्यूज जाते हैं हमें लगता है अच्छा ये भी है और ये भी हो सकता है और ये चीज ना हमारे जो आ, मतलब आंसर को वो गलत कर देता है और आपको पता है कि जिस टाइप का एग्जाम हो रहा है एनटीए जिस टाइप का एग्जाम ले रहा है वो टफ मतलब टफ एंड टफेस्ट होता जा रहा है ठीक है तो आपको गलतियां कम करनी है अदरवाइज आप फाइट से बाहर हो जाएंगे तो आपको क्या करना है आपको बहुत ही काम रह के बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ अब तक आपने पढ़ा ये बहुत अच्छी बात है बस आपको थोड़ा सा कंटिन्यू करना है एंड आपको कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना आपने जितना पढ़ना था आप पढ़ लिए अब आप अपने कॉपिक था आपको बंद करिए और अब आप रिवाइज करना स्टार्ट करिए ठीक है थीके? अब आप देखिए कि आपने जो पढ़ा ठीक है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें और अगर टाइम बचता है आगे चल के पांच दिन दस दिन तो आप कुछ नया देख लीजिएगा क्योंकि तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाना है खैर ये तो आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स की बात रही कि वो अपना पेपर पढ़ लें और वो ज्यादातर रिपीटेड आता है लेकिन हिस्ट्री में क्या है हिस्ट्री में देखिए अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि आपने रट लिया और आप जाके लिखाएंगे और सवाल आपसे पूछेगा कि कौन सा युद्ध कब हुआ था या कौन से राजा के बीच में हुआ था ठीक है तो ऐसे सवाल अब आते नहीं है ठीक है अब ऐसे सवाल बेसिकली जो सवाल आते हैं वो तो एक तो वो तथ्यों वाले सवाल आते हैं ठीक है ना कि ये नहीं तो क्या ठीक है या, या, या ये चार हैं इनमें से कौन सा नहीं होगा या होगा लेकिन आजकल जो इतिहास के सवाल आ रहे हैं वो ऐसे आने लगे हैं कि आपको इतिहास मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एज इट इज कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको अब इतिहास को समझना होगा आपने सिर्फ लाइन टू लाइन रटा और सोचा कि हम जाके सीधे वो पूछेगा हम उसको टेक कराएंगे और बस हो जाएगा ऐसा नहीं होगा जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक किसी साल के एक एक साल मतलब आई मीन मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा आ, मतलब मंथ था लेकिन यूजीसी में एक इतिहास का सवाल पूछा था शायद आपने देखा होगा कि वो कौन सा राजा था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया ठीक है कि वो जो बच्चे पैदा होते थे उनको एक गुंग महल में जाके रख देता था ठीक है और वो ये बताना चाहता था कि जो भाषा है है ना वो हम दुनिया से सीखते हैं ना कि आ, ना कि मतलब ये हमें गॉड गिफ्टेड मिलती है ठीक है तो उसमें चार राजाओं के नाम दिया था ठीक है तो अगर आपने ये सवाल एक ये जो मतलब क्वेश्चन है ये मैंने एक रिसर्च पेपर में देखा है इसके अलावा मैंने किसी किताब में नहीं देखा लेकिन आ, इसका आंसर मुझे मालूम था कैसे मालूम था ऐसा नहीं था कि मुझे मैंने कहीं पढ़ा था नहीं इसका आंसर इसलिए मुझे मालूम था क्योंकि आ, हा, मैंने सोचा कि कौन सा राजा ऐसा हो सकता है मतलब कौन से राजा का जितना इतिहास हमने पढ़ा है कौन सा राजा है जिसका जिसका, ने, जिसका नेचर ऐसा हो सकता है जो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकता है ठीक है तो वो अकबर था ठीक है तो आपको इतिहास को सिर्फ रटना नहीं है आपको जब क्वेश्चन देखना है हो सकता है आप जब पेपर उठाएं आप एग्जामिनेशन हॉल में हो आपको लगे यार इसमें से तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है या कितना टफ है नहीं आप उसको कई बार पढ़िएगा और आप उसको समझने की कोशिश करिएगा आपने अगर डेफिनेटली अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं ठीक है थीके? तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन आपके टेक्स्ट के बाहर आए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो अगर उन पर्सनालिटीज़ को उन राजाओं को छोड़ के कहीं और के बारे में पूछेगा जो आपके सिलेबस में है नहीं बस आपको उनको पढ़ना है थोड़ा सा सोचना है सोचना यह है कि क्या हो सकता है ऐसा कौन था या ऐसा Uh, कब किया जा सकता है कौन सा सन हो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन के हमें सवाल नहीं मतलब आंसर्स नहीं आते लेकिन हमें यह पता होता है जैसे पूछ कोई कोई भी चीज पूछ देगा कि किस टाइम हुई हमें नहीं पता लेकिन हम ये तो दि दिमाग लगा लेते हैं अच्छा तीन उप, चार ऑप्शन है इनमें से तीन में तो आ, ये, ये ये हुआ था वो हुआ था वो हुआ था तो ये नहीं तो हम उसमें अपना दिमाग यूज करते हैं और हम समझ जाते हैं कि इस टाइम तो नहीं हो सकता तो मतलब जो चौथा आंसर चौथा जो आपका ऑप्शन है इसमें हो सकता है तो मेरे कहने का मतलब है अब आपको सोचना है ठीक है सिर्फ रट रटने रट के और आप सोचते हैं कि वो सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी होगी लेकिन थोड़ा सा इतिहास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि चीजों को समझने की जरूरत है ठीक है क्वेश्चन पेपर आएगा उसको सोचिएगा ठीक है सिर्फ रट सिर्फ देख के हैरान परेशान मत हो जाएगा कि अरे अरे बिल्कुल नहीं रहा ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा काम रहिएगा एक डीप ब्रेथ लीजिएगा आपको सब कुछ आएगा और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे uh, मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ और uh, मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग इस बार आई मीन ऑलमोस्ट लोग इस बार नेट जे नेट और जे दोनों तो क्लियर हो जाएंगे और बस थोड़ा सा जो टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए क्योंकि लास्ट का जो टाइम होता है उसमें इंसान थोड़ा सा घबराने लगता है लगता है यार बस अब बहुत ज्यादा मतलब अब नहीं हो रहा अब नहीं पढ़ाई हो पा रही है अब थकान सी लगने लगी है लेकिन नहीं आपने इतना दिन पेशेंस रखा है थोड़ा दिन और सही उसको कंटिन्यू करिए बस नया कुछ मत पढ़िए अब रिवाइज करना शुरू कर दीजिए रिवाइज करना वैसे आपको और एक महीने पहले और एक महीने पहले से शुरू करना चाहिए था अगर आपने कर दिया तो वेल एंड गुड अगर नहीं किया तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है पच्चीस दिन बहुत है रिविजन के लिए और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा जो बहुत टफ हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मैं थोड़ा सा अपनी वीडियोज थोड़े लेट बनाती हूँ बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है लेकिन अगर आपका क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है तो आप जिस भी टॉपिक पर मुझे बोलेंगे मैं डेफिनेटली उस पर टाइम दूंगी तो फ्रेंड्स अच्छे से पढ़िए ध्यान रखिए बेस्ट ऑफ लक सी यू देन टेक केयर बाय